कांग्रेस की महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश के अम्बहा में शनिवार को एक चुनावी जनसभा की, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा है कि शिवराज सरकार ने जिस तरह से बोरिया बिस्तर समेटा है, उसी तरह से अब नरेंद्र मोदी को भी बाहर का रास्ता दिखाना होगा। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान ही उनके साथ यहां पर लोकसभा प्रत्याशी रामनिवास यादव, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, अम्बहा विधायक कमलेश जाटव समेत कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। और साथ ही सिंधिया ने जौरा और साथ ही बानमोर में भी सभाओं को संबोधित किया। अगर चंबल के साथ विश्वासघात किया तो चंबल का गुस्सा भी पार करके चंबल के